देश की सर्वोच्च अदालत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को अनावश्यक बताया है। कोर्ट ने जासूसी कांड के आरोप में दोषमुक्त हुए नंबी नारायणन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें बेवजह गिरफ्तार किया गया और मानसिक प्रताड़ना दी गई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 76 वर्षीय नारायणन को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। आपको बता दें कि पूर्व वैज्ञानिक नंबी ने केरल के पूर्व डीजीपी सीबी मैथ्यू और दो रिटायर्ड पुलिस अफसरों के खिलाफ उन्हें बिना किसी कारण गिरफ्तार करने को लेकर कार्रवाई की मांग की थी। इसरो जासूसी कांड साल 1994 का वो मामला है जिससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की तरक्की 15 साल पिछड़ गई। इसरो उस समय क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन पर काम कर रहा था और वो उसे बनाने के बिल्कुल करीब था। तभी उसकी तकनीक के लीक होने की चर्चा उड़ गई और उसकी केरल पुलिस ने SIT जांच शुरू कर दी। इसी जांच के दौरान क्रायोजेनिक इंजन विभाग के प्रमुख नंबी नारायण गिरफ्तार कर लिए गए और अनुसंधान का काम पटरी से उतर गया। भारत के पिछड़ने का सीधा लाभ अमेरिका और फ्रांस को मिला। शक जताया गया कि इसरो जासूसी कांड का ताना बाना अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने बुना और भारत का रास्ता बाधित किया।